अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद आमना डॉट कॉम। मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है सूजी का हलवा। तो उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए, हाफ कप हमने सूजी ली है, हाफ कप चीनी ली है, हाफ कप हमने घी लिया है और पानी लिया है हमने 2 कप। खोया लेंगे हाफ कप, कटे हुए बादाम लेंगे हम 1 टेबल स्पून, किशमिश लेंगे 1 टेबल स्पून, इलायची पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, नारियल लेंगे 1 टेबल स्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें हलवे के लिए। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड बटन को दबा के मुझे सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। एक पैन लेंगे, उसमें ये घी डाल देंगे, घी को मेल्ट करेंगे और साथ ही हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे। सूजी को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे कलर देना है, भूनना है, इसे हमने लाइट ब्राउन कलर देना है। तो फ्लेम को आप मीडियम टू लो रखें और इसे चलाते जाएं। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे इसे भूनने में। तो सूजी को हमने अच्छे से भून लिया, अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। एहतियात से पानी ऐड करेंगे। और साथ इसमें चीनी ऐड कर देंगे, इलायची पाउडर। अब इसे मिक्स करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे तब तक जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। सूजी फूल जाएगी और हलवा हमारा गाढ़ा हो जाएगा और हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और साथ में खोया डाल देंगे। अब इसे पकने देंगे। ये देखें, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, हलवा हमारा तैयार होने वाला है। उससे पहले हम इसमें किशमिश डालेंगे, नारियल डालेंगे, कटे हुए बादाम मिक्स कर देंगे। तो ये देखें, हलवा हमारा तैयार है। हाफ कप में कितना ज़्यादा हलवा बन गया, बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप इस तरीके से बनाएं तो बहुत ही अच्छा बनेगा। फ्लेम ऑफ कर दी हमने, अब इसमें हम ऐड करेंगे खोया, सारा खोया ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा सूजी का हलवा खोए वाला बहुत ही मज़े का तैयार है। अब इसे हम डिश में निकाल लेंगे। तो तैयार है सूजी का हलवा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।